स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। देश भर में डेटा प्लस के 83 केस आए सामने। केरल ने बढ़ाई चिंता। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार। भारी भरकम दस्तावेज रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा जजों को आतंकित करना है मकसद। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर नटराजन ने चुना गया रिका का कार्यकारी निदेशक। भारत ने चीन को हराया। भारत में सक्रिय आईएस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। एक साल तक चले ऑपरेशन के बाद एजेंसियों को मिली कामयाबी। सेना प्रमुख ने किया दक्षिणी कमान का दौरा। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों की भी की गई समीक्षा। यूपी के माफिया व अपराधियों पर एक्शन में योगी सरकार। अब तक 1848 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। खालिस्तान समर्थक गुरपत वंत सिंह की सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी। 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। यूपी एसएसएफ के जवानों को मिलेगी अलग वर्दी। लखनऊ व नोएडा मेट्रो के बाद कोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बड़ी और भी मुश्किलें। रद्द हो सकती है विधानसभा की सदस्यता। यूपी में युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार। 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। हमलावर ने 10 लोगों को चाकू घोंपा। 2 की हालत बेहद गंभीर। अमेरिका में पूरी तरह से हुआ 50% कोरोना का टीकाकरण। डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ लगा चीन की लैब का डाटा। डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिकी फिर बढ़ाई चिंता। रोजाना औसतन पाए जा रहे हैं 95,000 केस। जापान में कोरोना के मामले 10 लाख से अधिक। टोक्यो में सबसे ज्यादा। रवीन जडेजा का बड़ा कमाल। महान ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान। हरियाणा सरकार 9 हॉकी खिलाड़ियों को देगी 50-50 लाख। सीएम बोले झांसी की रानी की तरह लड़ी जा। जेम्स एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। अनिल कुंबले को छोड़ा पीछे। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा। अब यह ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। दीपक पुनिया के कोच ने किया रेफरी पर हमला। आईओसी ने मान्यता रद्द कर खेल गांव से किया बाहर। स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज होगा टाइगर श्रॉफ का गाया पहला हिंदी सॉन्ग वंदे मातरम। करण जौहर ने 2 सिंगर को दिया ऑफर। ऑफ इंडिया का गाना देश मेरा हुआ रिलीज। अरिजीत सिंह की आवाज कर इमोशनल। जाग जाएगा देशभक्ति का जज्बा। हनी सिंह ने तोड़ी चुप्पी। दूसरी औरतों से संबंध और मारपीट जैसे पत्नी के आरोपों पर पोस्ट लिख दी सफाई। सोनू सूद ने श्रीनगर में किया चप्पल की दुकान का प्रमोशन। बोले 20% डिस्काउंट के लिए मेरा नाम ले।
शूटिंग के वक्त अचानक बिगड़ी प्यार का पंचनामा, फेस नुसरत भरूचा की तबीयत, आनन फानन में ले जाया गया अस्पताल। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में मैं बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।